अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक ये ड्रेस जो मैंने स्टिच किया है विंटर का है, बहुत ज़बरदस्त लीलन पे है, मैंने स्टिच किया है, इसकी वीडियो देखा। तो यहाँ पे मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ अपने ड्रेस का। तो ये देखें, ये मैंने सारा काम अपने हाथ से किया है। इस पर भी ये टसल्स बनाए हैं दुपट्टे पर, बहुत ही खूबसूरत। ये सारा रिबिन का काम है, ये मैंने इस तरह से खुद इसको लगाया है। ये फुल ब्लू में था डार्क, तो इसमें थोड़ा सा बस यही कलर समझ में आ रहा था मुझे। तो इस तरह से ये टसल्स मैंने खुद बनाए हैं, ये देखिए। और दुपट्टे के चारों तरफ मैंने इसके ये फॉल लगाई है, देखिए दोनों तरफ से बहुत सफाई से लगी है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इस तरह से फुल शॉल पे इसके ये रिबन लगाई गई है, इस तरह से देखिए। तो चलें अब मैं आपको शर्ट पीस दिखाती हूँ। तो ये है इसकी शर्ट, ये इसका नेक बनाया है मैंने बिल्कुल लैस से, और ये इस तरह से ये मैंने पल्स लगाए हैं। ये इधर कट है जो मैंने लेस से ही इसके इसको ज्वाइन कर दिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। ये आपको दिखाने के लिए इधर मैंने वर्क रखा है, और ये देखिए ये इसके स्लीव्स हैं। ये जो प्रिंट है ये शलवार का है, और इस तरह का बॉक्स वाला जो प्रिंट है वो शर्ट का है। तो मैंने ये इसके साथ ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन में मैंने ये लेस लगाई है इस तरह से, बहुत चल रही है ये लेस जीपीओ की। तो ये इस तरह से है, ये शलवार का कपड़ा है, इस तरह उसमें थोड़े छोटे बॉक्स हैं और ये बड़े बॉक्स जो हैं ये कमीज़ का। तो इसमें ये इस तरह मैंने बॉर्डर खुद लगाया है इस तरह करके, ताकि थोड़ा डिफरेंट सा हो और लुक अच्छा आ जाए। ये फुल यही लुक था इसका। और ये इसका दामन है, दामन में देखें इस तरह से मैंने लेस लगा दी नॉर्मल। और ये इस तरह से मैंने ये लेस लगाई है कुम सिलाई में, और ये अंदर इसके फिनिशिंग पट्टी का काम है फुल, और इसके ये चौक पे भी फिनिशिंग पट्टी लगाई गई है, थोड़ा थोड़ा पतली, चौड़ी नहीं है, चौड़ी दामन में लगाई है मैंने, और इसको बिल्कुल गुम सिलाई में लगाया है इस तरह से, इस तरह से देखिए। तो ये कमीज़ का फुल लुक है। और चले अभी मैं आपको इसका इसकी शलवार दिखाती हूँ। और ये इसका इसकी शलवार है, ट्राउज़र नहीं है, ये शलवार रखी है मैंने इस तरह से, इस तरह से नॉर्मल जो है शलवार होती है कैसे शेव में। और ये इसका ट्राउज़र का इसका लुक है, ये इस तरह से मैंने इधर ज्वाइन नहीं है, ये भी इसमें दबा के लेस लगाई गई है इस तरह से, क्योंकि फुल एक ही कलर में ना तो समझ में नहीं आ रही थी, तो इस तरह मैंने फिर इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये इसका दुपट्टा है, मैंने फुल इस तरह से इसमें की है स्टिचिंग, ये सारी मैंने फॉल लगाई है इस तरह, और ये इसके टसल्स मैंने खुद बनाए हैं बिल्कुल इस तरह से, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, बिल्कुल शॉल लुक है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक शर्ट और है मैंने जो स्टिच की है वो आपको दिखाती हूँ। ये शर्ट है मैंने जो स्टिच की है, बहुत ही खूबसूरत सी, ये देखिए। तो ये इस तरह से देखिए, ये मैंने फुल एम्ब्रॉयडरी ये है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से।
इस तरह से देखिए कितनी ये फुल एम्ब्रॉयडरी शर्ट है। तो मैंने बस इस पर ये टसल्स ही लगाए हैं और ये मैंने इसके स्लीव सादी थी तो ये इस तरह से डिज़ाइनिंग की है कटवर्क पे। और ये पर्ल्स लगा दिए हैं इसमें, ये डोरी पाइपिंग करके मैंने इधर और इसके इधर ये कटवर्क कर किए हैं और ये पर्ल्स लगा दिए मैंने एक एक। ये इस तरह से फुल देखिए और इसके चौक पे मैंने यही मैंने कलरफुल सी इसकी ये पाइपिंग है डोरी पाइपिंग इस तरह से। और इसका दामन का लुक जो है कुछ इस तरह से। इस तरह से है और ये फुल इस तरह से नीचे से इसके ये ऐसे मैंने पाइपिंग की है बिल्कुल सफाई से बहुत नीट और क्लीन ने स्टिचिंग की है। ये फ्रंट पे है और बैक पे भी इसी तरह है देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहें और चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।